Hi everyone, I'm so sorry. I'm a little late in the class today. So hi Anamika, Bunty, Yangviam, Niharika, Koti and Vishal. So welcome to the session guys. तो आज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से एग्जाम्स आप दे सकते हो, कौन कौन से एग्जाम्स जो होते हैं 3 ईयर एंट्रेंस के, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जो आप दे सकते हो, क्या इनका पैटर्न रहता है, कैसा एग्जाम है, क्या यहाँ पे कुछ बार्स हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है. सो इन सब के बारे में ही हम बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास गाइज. एंड ऑल्सो आई एम ओपन टू द क्वेश्चंस. सो जो भी आपके आज क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आप वो भी मुझसे साथ साथ में पूछ सकते हो. सो लेट अस इंट्रोड्यूस ठीक है ourselves. So guys, मैं कृति सिंह एंड आई टीच लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. यहाँ क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए, सॉरी क्लैट यानी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, तो आज इस छोटी सी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स हमें देने चाहिए. ओके, सो गिव मी अ सेकेंड, लेट मी अपलोड ऑल द फाइल्स. कुछ अपडेट्स के बारे में पहले बात करते हैं. हेलो सोनम, हाउ आर यू? सो सबसे पहले तो अगर तुम्हारा आज कोई डाउट होता है ना, इफ यू हैव अ डाउट, ठीक है, कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हो इन द क्लास इटसेल्फ. ठीक है, डाउट एंड क्वेरी कुछ भी आप पूछ सकते हो. नाउ एवरीवन, दे कॉन्कर्ड क्लैट, वी आर सेलिब्रेटिंग देम. सो ये सेशन आप देख सकते हो ऑन एन अकेडमी क्लैट एवरीवन. Then we have these Republic Day celebrations. तो अगर Republic Day celebrations की बात करें तो भी 20% तक के discounts चल रहे हैं. You can avail this 20% of discount till 28th of Jan, which is today. अगर आप subscriptions लेना चाहो तो आज आप subscriptions ले सकते हो. साथ में आप जो मेरा code है, ठीक है, ये use कर सकते हो. My code is Kriti Live 10. You can use my code Kriti Live 10. Then we have our toppers from NLU. So there are 70 plus NLU admits. So congratulations to all of them. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे अनअकैडमी क्लास लर्नर्स हैं जिन्होंने टॉप NLUs इस बार ज्वाइन करे हैं. सो यहाँ पे बहुत सारे लर्नर्स के नाम आप देख सकते हो. Then guys, we have अनअकैडमी क्लास लर्नर्स who made the top NLUs in the year 2022. So we had more than 50 students. तो यहाँ पे you can see some of the names. अगर बैचेस की बात करी जाए तो टारगेट NLU एक बैच है, ठीक है, दिस इज अ bilingual बैच. जनवरी 27 से शुरू हुआ था. एंड यू कैन सी द एजुकेटर्स ऑल्सो हु आर टीचिंग यू इन द बैच. देन एवरीवन, इसके बाद हमारे पास एस लीगल इज द बैच. बिगिनर्स बैच है क्लैट 2025 का. जनवरी 13 से ये जो एस लीगल है ये शुरू हो गया है. बाइलिंगुअल बैच, बैच की यूएसपीज है हो गई यहाँ पे. बहुत सारा प्रैक्टिस एंड रिविजन सेशन, टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट, कंपेंडियम्स एक्सेट्रा. एंड देन वी हैव एलएलबी ड्रीम. सो जो 3 ईयर की कैटेगरी है ना, 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी के थ्रू आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो. ये एलएलबी ड्रीम, दिस इज अ 6 month कोर्स फॉर 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम एवरीवन. जनवरी 21 से शुरू हुआ था, ठीक है. बैच के यूएसपीज भी आप देख सकते हो और मैं आपको यहाँ लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है. तो मेरी क्लासेस में लॉजिक ज्वाइन कर सकते हो. नाउ ये तो हो गए हमारे बेसिक अपडेट्स. आइकॉनिक और प्लस के बीच के डिफरेंस का बात करें तो प्लस में यू गेट दी बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव क्लासेस, क्विजेज एक्सेट्रा. आइकॉनिक में आपको एडेड फीचर्स मिल जाते हैं जैसे मेंटोरशिप, रेजर हैंड फीचर एंड ऑल. अब बात करते हैं इस नंबर की जिसे यू कैन कॉल अपॉन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन टॉक टू देम. Now everyone, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं. Which exams to give and what to expect. So in the class, जितने भी लोग हो, ठीक है, all the students who are in the class as of now, ठीक है, so you guys are preparing for CLAT, है ना? कोई भी so CLAT नहीं, other law entrance exams, 3 year LLB entrance exams के लिए you guys are preparing. So कोई भी ऐसा student नहीं होगा जो इन एग्जाम्स के अलावा, या फिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो और भी किसी एग्जाम की तैयारी करे वो मुझे बता सकते हो. सर जो कॉलेजेस हैं 3 ईयर एलएलबी के उनको देख लेते हैं. सो सबसे पहले जो अगर किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की बात आती है जो आपको देना चाहिए, ठीक है, वो क्या होती है, वो है NLSAT. नाउ व्हाई NLSAT को मैंने टॉप पे क्यों रखा है ये समझ लेते हैं. सो NLSAT इज बेसिकली NLSIU 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम. So NLSAT, NLSIU का, NLSIU Bangalore का
ठीक है, 3 ईयर का LLB एंट्रेंस एग्जाम है। अभी इनका पहला बैच नहीं निकला है, ठीक है, बिकॉज वेरी रिसेंटली दिस कोर्स हैज बीन स्टार्टेड, इट स्टार्टेड लास्ट ईयर। सो अभी तक इनका कोई भी फर्स्ट बैच पास नहीं हुआ है। बट देन वी देयर इज अ कॉलेज रेप्यूटेशन, दिस कॉलेज इज वेरी फेमस अमंग यू नो अमंग दी स्टूडेंट्स, दिस कॉलेज इज वेरी फेमस अमंग द स्टूडेंट्स। एंड अगर क्लैट की बात करें तो क्लैट में दिस इज द टॉप NLU, ठीक है। अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB करने जाते हो तो NLSIU बैंगलोर एक टॉप NLU है, ठीक है। सो दैट्स वाई NLSIU बैंगलोर का जो कोर्स है ये क्वाइट प्रेवलेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ NLSIU की फी वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे इजिली स्कॉलरशिप्स अवेलेबल रहते हैं। फी की बात करी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली सी नंबर मुझे अभी बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है इस पर्टिकुलर NLSAT की फी का, ठीक है। तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपका रहता होगा 3 ईयर्स की अगर बात करें तो 5 to 6 रहता होगा, ठीक है। बाकी इनका जो एग्जाम होता है इसमें अलग अलग सेक्शंस रहते हैं। ये अलग अलग सेक्शंस में किस तरह से हमें कैसे एग्जाम देना होता है इसके लिए हम बात करेंगे अगली क्लास में, जब हम एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो सेशन आता है यहाँ पे, नेक्स्ट जो टेस्ट आता है, ठीक है, या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम आता है विच इज इन माय लिस्ट इज MHCT लॉ फॉर 3 ईयर्स। अब MHCT में बहुत सारे कॉलेजेस, बिकॉज दिस इज महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, देर आर मेनी कॉलेजेस अंडर MHCET, बट आई विल रिकमेंड ओनली 2 कॉलेजेस टू ऑल ऑफ यू विच इज GLC मुंबई एंड ILS पुणे। अब GLC मुंबई और ILS पुणे क्यों रिकमेंड किए जा रहे हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो GLC मुंबई ILS पुणे बोथ आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस इन एशिया, ठीक है। ये लॉ के, ठीक है, लॉ के वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस में से एक आते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सन बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे आज स्टेब्लिश है, ठीक है। अगर फी की बात करते हैं तो फी इज हार्डली 6,000-7,000 रुपीज, ठीक है, पर ईयर। इसके अलावा सीट्स यहाँ पे लगभग 300 सीट्स हैं, ठीक है। ऑल्दो दे ऑल्सो ऑफर 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB, बट दे ऑफर 3 ईयर LLB ऑल्सो। बोथ द सिटीज हैव लोकेशन एडवांटेज ऑल्सो। अब लोकेशन एडवांटेज क्यों रहता है, ये इसलिए रहता है क्योंकि एक सिटी मुंबई में है, एक कॉलेज मुंबई में है और दूसरा कॉलेज पुणे में है, तो आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, आपको प्लेसमेंट्स अच्छे मिल सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ के जो प्लेसमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो प्लेसमेंट्स आर ऑल्सो वेरी गुड। सो ये कॉलेज हो गया GLC मुंबई, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है ये, ठीक है, क्वाइट अ फेमस वन। देन वी हैव नेक्स्ट कॉलेज एवरीवन, द नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम व्हिच यू गाइस शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर इज DU LLB एग्जाम, जिसे हम DU ET कहते हैं। हाय सुरभि मैम, मेरे पास DU कॉलेज है तो ये नहीं, सुरभि इसको मत मेंशन करो। सो यू आर ऑलरेडी इन DU, राइट। सो अगर सिम्बायोसिस का इंटरव्यू होता है ना, सो अच्छा ये बताओ कि तुम DU से कर क्या रहे हो, विच आर द कोर्सेज यू आर स्टडिंग इन DU। BSc, ओके, विच ईयर आर यू, फर्स्ट ईयर, आई थिंक यू शुड नॉट मेंशन DU, ठीक है, यू कैन मेंशन दैट यू वर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, क्योंकि यहाँ से ना देखे ना, अच्छा अगर तुमने एक कॉलेज छोड़ा है तो तुम दूसरा कॉलेज भी छोड़ सकते हो। ऑल्दो इसको काउंटर करने के लिए ना तुम एक बहुत अच्छा आंसर दे सकते हो कि वाइल यू नो वाइल studying my course I realized that I am better made for some other course, whether I want to be a lawyer or something। देखो अगर तुम्हें graduation को skip करना है, ठीक है, या और तुम्हें 5 year integrated पे जाना है, तब तो मुझे लगता है कि तुम skip कर दोगे इस point को, it works, ठीक है, simply कह सकते हो कि मैंने break लिया था, ठीक है। लेकिन अगर तुमको यहाँ पे क्या करना है, अगर तुमको 3 year LLB करना है तो ऑब्वियसली वहां पे तुम्हें अपना ग्रेजुएशन शो करना ही रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्किप कर सकते हो, अगर 1 year का गैप है तो स्किप करने, 5 year करना है ना, अगर 5 year करना है तो आई थिंक यू कैन स्किप, ठीक है, यू कैन स्किप, ओके।
चलो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सॉरी नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, वो है DULLB, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। नाउ दिस इज अ क्वाइट फेमस एंट्रेंस टेस्ट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो DULLB होता है ना, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी इज क्वाइट फेमस फॉर इट्स सोशल साइंस कोर्सेज। तो इनके जो भी सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज रिलेटेड कोर्सेज हैं उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा फेमस है। ये कॉलेज में अच्छे प्लेसमेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 50% आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए। टोटल अगर फी की बात करी जाए तो फी लगभग 14,000 के आसपास है फॉर ईयर, ठीक है। इसके अलावा सीट्स की बात करी जाए तो सीट्स लगभग 1440 सीट्स के आसपास है, ठीक है। एंड प्लेसमेंट्स यहाँ पे काफी अच्छे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अ वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटी एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलेजेस लिस्ट में आता है वो है सिम्बायोसिस। अब देखो अगर सिम्बायोसिस की बात करी जाए, सिम्बायोसिस पुणे के बारे में पहले बात करेंगे, अगेन वन ऑफ द वेरी ओल्ड कॉलेजेस, ठीक है। यहाँ पे 3 ईयर 5 ईयर दोनों ही प्रिपेयर करवाए जाते हैं। 3 ईयर की अगर मैं बात करती हूँ, ओके, 3 ईयर 5 ईयर दोनों ही प्रिपेयर करवाए जाते हैं। इफ आई टॉक अबाउट 3 ईयर सिम्बायोसिस पुणे, ठीक है, तो 2014 में ये शुरू हो गया था 3 ईयर का। दे हैव 60 सीट्स एज ऑफ नाउ, ठीक है। अगर फी की बात करें तो इनका जो पर ईयर फी रहता है वो लगभग 2 लाख के आसपास रहता है, 2,50,000 के आसपास इनका फी रहता है, ठीक है। एंड ये मैंडेटरी इंटर्नशिप्स भी करवाते हैं। सो द मोस्ट द गुड थिंग ओवर हेयर इन दिस कॉलेज, मैंडेटरी इंटर्नशिप। तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको इंटर्नशिप्स तो करने ही पड़ेंगे, वो भी मैंडेटरी, ठीक है। एंड यस द कॉलेज हैज गुड प्लेसमेंट, कॉलेज के अच्छे प्लेसमेंट्स आपको मिल जाएंगे। अब सिम्बायोसिस के 4 कैंपस हैं, सिम्बायोसिस पुणे इज वन कैंपस, देन नोएडा इज वन कैंपस, देन वी हैव हैदराबाद, ठीक है, देन वी हैव नागपुर। यार देखो किसी भी लोकल कॉलेज में जाने से अच्छा है कि एक रेप्यूटेड कॉलेज में जाया जाए, क्योंकि वहां पे हमें एक अच्छा और बेहतर एक्सपोजर मिलता है। सो पुणे इज अ वेरी गुड कॉलेज, नोएडा इज अगेन वेरी गुड, दोनों को ही लोकेशन एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा नोएडा का NCR में होना भी नोएडा के लिए काफी फायदे में रहता है। सो एवरीवन पुणे एंड नोएडा, आपको जो हायरार्की रखनी है यहाँ पे वो पुणे की पहले रखो, फिर नोएडा रखो, फिर हैदराबाद रखो, और फिर आप यहाँ पे नागपुर रखो, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे सीट्स की बात करती हूँ, सिम्बायोसिस में सीट्स आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है, 60 सीट्स आर देयर एंड दे डू हैव प्लेसमेंट्स। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है यहाँ पे, ठीक है, मैंने आई थिंक तुम्हें IELS पुणे के बारे में और GLC की तो फी मोस्ट प्रोबेबली आई गेव यू, मैं IELS पुणे के बारे में भी तुमको थोड़ा सा बता देती हूँ, बोले की जो फीस है इसके बारे में जान लेते हैं। सो IELTS पुणे की जो अप्रोक्सीमेट फी है ना वो लगभग 50,000 के आसपास है। देर आर 150 सीट्स इन द कॉलेज जो इंक्रीज होके अभी रिसेंटली शायद 161 हो गई है। एंड यस दे आल्सो हैव गुड प्लेसमेंट्स, इनके प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलेजेस लिस्ट में आ जाता है दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके मैम, सिम्बायोसिस में एडमिशन लेने से पहले ड्यूल एडमिशन वापस लेना होगा या ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा? सर भी सिम्बायोसिस में एडमिशन लेते टाइम ना तुम्हें ड्यू के एडमिशन का वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, ठीक है। वहां पे तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं रहता है, ऑल्दो तुम चाहो तो इंटीमेट कर सकते हो, ठीक है, तुम अपना जो एडमिशन है ना उसको इंटीमेट करके कैंसिल करवा सकते हो, बंद करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे लगेंगे वो 5 ईयर वो 12th क्लास से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे जो तुम्हारा माइग्रेशन होगा, ठीक है, अगर तुम नहीं बता रहे हो कि तुम BSc कर रहे हो, वो सारा तुम्हारे 12th क्लास वाला माइग्रेशन वगैरह यहाँ पे लग जाएगा। तब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लेता है लगता है, बट इट वुड बी बेटर कि आप इन्फॉर्म कर दो और जो फॉर्मली प्रोसेस होता है वो अपना लो। नाउ जो नेक्स्ट कॉलेज है लिस्ट में वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU।
बच्चों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी अगर बीएचयू की बात करी जाए तो बीएचयू में हो सकता है तुमको प्लेसमेंट्स ना दिखें बहुत अच्छे। सो प्लेसमेंट्स के नाम पे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से करके तुम्हें कभी जॉब नहीं मिलेगी, बिकॉज दे रियली हैव उनका फैकल्टी बेस बहुत अच्छा है, बीएचयू लॉ बहुत अच्छा है, एंड ऑफलाइन बहुत सारे प्लेसमेंट्स हमें मिल जाते हैं, प्लस बीएचयू इज अ नेम, ठीक है। जो ऑफलाइन प्लेसमेंट्स है यहाँ पे, इसके अलावा इंटर्नशिप्स आपको इजिली मिल जाएंगी, कॉलेज कैन प्रोवाइड यू यू हेल्प यू आउट विद योर इंटर्नशिप्स, ठीक है। सो अच्छी लॉ फर्म्स जो होती है ना, बहुत अच्छी लॉ फर्म्स में आपको यहाँ पे इंटर्नशिप्स मिल जाते हैं। अगर मैं विद या विदाउट हॉस्टल फी बताऊं तो वो लगभग करीब 2000 से 8000 के बीच में हमारा जो हॉस्टल फी है वो रेंज करता है। देर आर 230 सीट्स ऑल्सो फॉर द कोर्स, ठीक है। अब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जुडिशरी के लिए, यूपीएससी के लिए, देन अगेन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फ्रॉम वेयर यू कैन प्रिपेयर, ठीक है। तो ये बीएचयू हो गया, लेकिन अब बीएचयू के एंट्रेंस की बात कर लेते हैं। तो बीएचयू पहले एक बीलैट का एग्जाम करवाता था, ठीक है, और 3 ईयर के लिए बीएचयू यूईटी के नाम से, बीएचयू यूईटी के नाम से एक एग्जाम हुआ करता था, ठीक है। अभी हो सकता है वो सीयूईटी पीजी के नाम से एडमिशन्स ले, नॉट क्लियर। सिमिलरली डीयू एलएलबी जो है ना, ठीक है, डीयू एलएलबी का भी अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा था कि डीयू एलएलबी भी हो सकता है सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन ले, बट अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। नाउ अगर बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है उसके बारे में, सो नेक्स्ट कॉलेज इन माय लिस्ट इज आईआईटी खड़गपुर। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू दिस, ये कॉलेज आजकल बहुत अच्छा कर रहा है, द प्लेसमेंट फॉर द कॉलेज इज रियली गुड, प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन देर इज वन थिंग विच यू शुड यू नो मेक श्योर ऑफ, एलिजिबिलिटी। जो एलिजिबिलिटी आईआईटी खड़गपुर की, उसमें कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा जो है वो यहाँ पे नहीं कर पाएगा आईआईटी खड़गपुर से लॉ, बिकॉज लॉ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए या तो आपके लिए इंजीनियर होना जरूरी है, या फिर आपका किसी टेक्नोलॉजी में होना जरूरी है, या फिर आपका मेडिसिन में होना जरूरी है। सो इसकी एलिजिबिलिटी में ना सिर्फ साइंस ग्रेजुएट्स ही लॉ कर सकते हैं। तो आईआईटी खड़गपुर से अगर आप लॉ करना चाहते हो तो आपको एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये 3 ईयर लॉ प्रोवाइड करता है, ये 5 ईयर लॉ प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। 3 ईयर लॉ में भी इनके प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, इनके एवरेज पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, एंड रीसेंट ईयर्स ये कॉलेज बहुत ही अच्छा कर रहा है। साथ में इनका जो लॉ है वो यू नो लॉ इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में है, सो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्पेशलाइजेशन है इनका, ठीक है। सो लीगल विद आईपी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में है। बाकी अगर बात करी जाए सीट्स की, तो देर आर 50 सीट्स फॉर द कॉलेज, 50 सीट्स हैं, ठीक है। और जो फी है वो लगभग 80,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से इनकी फी रहती है। सो ये हो गया हमारा दूसरा एक एग्जाम, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम की तरफ चलते हैं, विच इज योर पंजाब यूनिवर्सिटी। सो गाइज वेन आई टॉक अबाउट पंजाब यूनिवर्सिटी नाउ, तो हमेशा ध्यान रखना कि पंजाब यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस पे फोकस रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, दैट वुड बी बेटर। पंजाब यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपको एलिजिबिलिटी के लिए 45% मार्क्स चाहिए और कॉलेज में 300 सीट्स के करीब है। अगर इनकी फी की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं, 13,000 से 15,000 पर सेमेस्टर इनकी फी है, ठीक है, पर सेमेस्टर इनकी फी है। और ये मेन कैंपस की फी है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। सो पंजाब यूनिवर्सिटी इज आल्सो समथिंग विच यू कैन ट्राई। नेक्स्ट यहाँ पे आ सकता है डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज, डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अगेन। अब ये जो ये जो कॉलेज है ये है चेन्नई में, तमिलनाडु चेन्नई में है। 60% आपको आपके ग्रेजुएशन में चाहिए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फी है वो 87,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली फी है और 156 सीट्स आर देयर, ठीक है। सो द कॉलेज इज इन चेन्नई, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज।
नेक्स्ट कॉलेज इज ओपी जिंदल, बट ओपी जिंदल के साथ फी का थोड़ा सा इशू आ जाता है, ठीक है. सो ओपी जिंदल इज अनदर कॉलेज एवरीवन जो एलसैट के स्कोर्स एक्सेप्ट करता है. तो रिमेम्बर, इफ ओपी जिंदल इज ऑन योर लिस्ट तो आपको एलसैट के जो स्कोर्स हैं उन पे फोकस करना है. एलसैट का एग्जाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा. एलसैट का एग्जाम ट्वाइस अ ईयर होता है, साल में 2 बार होता है, ठीक है. और सिक्स जो ठीक है एलसैट का जो एग्जाम है ये ट्वाइस अ ईयर होता है, ठीक है. अब अगर बात करते हैं हम यहाँ से फी के बारे में, तो फी लगभग रहती है 6 लाख से 8 लाख के बीच, ठीक है. ईयरली फी रहती है, प्लस इनके हॉस्टल की फी भी होती है जो लगभग 2,50,000 के आसपास रहती है. सो दिस इज द फी फॉर ओपी जिंदल एवरीवन, ठीक है. एवरेज पैकेज जो है इनके वो 12 से 15 LPA के आसपास इनके एवरेज पैकेजेस भी चले जाते हैं. नाउ नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ तो इट इज उस्मानिया यूनिवर्सिटी. हैदराबाद, इफ आई टॉक अबाउट उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद एवरीवन, तो इसका जो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप TS लॉ सेट का जो एग्जाम होता है ये आप दे सकते हैं, जस्ट TS लॉ सेट, ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं उस्मानिया की बात करूँ तो जो इनकी फी है वो भी अगेन बहुत कम है, वो 6,750 रुपीज ईयरली है, ठीक है. नंबर्स जितने भी मैंने तुम्हें बताए हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं. इसके अलावा यू हैव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है. इसके बाद आपके पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, आंध्रा यूनिवर्सिटी है, देन यू हैव राजस्थान इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इज एक्चुअली राजस्थान यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी जहाँ पे तुम एडमिशन ले सकते हो, एंड कोलकाता यूनिवर्सिटी, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द यूनिवर्सिटी यू कैन टेक एडमिशन इन. दे आर क्वाइट फेमस वंस एंड वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटीज, ओके. सो ये तो थी एवरीवन मेरी लिस्ट. सो यू वुड हैव सीन कि हमने कुछ टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किया. सो दिस वॉज माई लिस्ट. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास. Hi Niharika, hi Anamika, yes I will be taking your questions, don't worry. So DU and BHU have to appear in CUET. Anamika, abhi as of now BHU ne last year CUET se lena shuru kar diya tha. Is year ye confirm ho jayega ki wo apna khud ka test karenge ya CUET ke through hi admission lenge. Kyunki abhi jab bhi notification aayega ye baat hame tabhi pata chalegi. लेकिन अगर डीयू की बात करें तो डीयू ने अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी हो सकता है अपना डीयू एलएलबी का एग्जाम ही कंडक्ट करेगी, ठीक है. अगर ये एग्जाम सुनने में आ रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो CUET के थ्रू एडमिशंस लेने वाली है, बट वी आर नॉट काइंड ऑफ श्योर अबाउट दिस. सो जब तक इन एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस नहीं आ जाते हैं तब तक हम श्योर नहीं हो सकते. फॉर बी एच यू प्रिपेयर करते रहो सिमिलर वे में, एंड फॉर डी यू एल एल बी ऑल्सो प्रिपेयर करते रहो सिमिलर वे में. नाउ एज यू निहारिका सेड कि दीज यूनिवर्सिटीज मोस्ट ऑफ देम कंडक्ट देयर ओन एग्जाम, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. आई थिंक योर क्वेश्चन इज वेरी जस्टिफाइबल कि हम मैनेज कैसे करेंगे. सो निहारिका, देयर आर फ्यू सेक्शंस व्हिच आर कॉमन इन ईच एंड एवरी एंट्रेंस एग्जाम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल चूज योर यूनिवर्सिटी,
चूज योर कॉलेज, कि तुम्हें किस कॉलेज में जाना है लॉ करने के लिए, इसे चूज करो पहले, ठीक है। अपने लिए 4 से 5 ऑप्शंस ओपन रखो और इसमें से किसी में तो तुम्हें एडमिशन चाहिए ही चाहिए, ये तुम्हारी प्रायोरिटी है। सो तुम सबसे पहले अपने लिए एक लिस्ट बनाओ जिन जिन कॉलेजेस के लिए तुम अप्लाई करोगे, ट्राई करोगे, और लिस्ट के साथ साथ एक बैकअप लिस्ट भी बना लो, ठीक है। कुछ नहीं होता है तो दूसरा क्या काम करोगे। अब यहाँ पे आता है, अब देखो एक साथ इतने सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें। सो क्या अलग अलग करनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। सो जो हमारा इंग्लिश सेक्शन आता है, इन ऑल दी एग्जाम्स विच आई हैव रिटन, इस इंग्लिश सेक्शन के 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, एक वोकैबुलरी होता है और दूसरा ग्रामर होता है। Now this is something you have to study for each and every exam. There is no excuse to RC vocab and grammar. So this is something which you have to study हर हाल में और हर exam के लिए। तुम चाहे MSCET का exam ले लो, चाहे DU LLB का exam ले लो, या फिर even CUET ले लो, जिसके बारे में तो अभी तक हमने mention या discussion भी नहीं किया as such. So any 3-year LLB exam you take, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे ये जो कॉम्पोनेंट्स हैं ये सिमिलर ही रहने वाले हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ लीगल की, सो लीगल में भी आपको बेसिक लॉ हर सेक्शन के बारे में पढ़ना होगा, आपको बेसिक लॉ लीगल का पढ़ने होंगे, उन्हें अप्लाई करना सीखना होगा। नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू विल गेट इन मेनी मेनी एग्जाम्स जो कि क्लाट के लिए होते हैं। नाउ थर्ड आ जाता है क्वांट, यानी मैथ्स का सेक्शन। मैथ्स के सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट समवेयर 5 to 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो इस 5 to 10 के लिए भी अगर प्रिपेयर करते रहोगे ना, सिर्फ क्विजेस लगा लो, सैम्पल पेपर्स कर लो, ठीक है, तो भी तुम्हें काफी फायदा यहाँ से होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन यहाँ पे आ जाता है वो है कॉम्प्रेहेंसिव, ठीक है। अब जो लास्ट जो हमारा सेक्शन यहाँ पे आ जाता है ना, ठीक है, इट्स नॉट कॉम्प्रेहेंसिव बेसिकली, ओके। सो क्वांट के बाद यहाँ पे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई थिंक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। नाउ लॉजिकल के बारे में अगर बात करी जाए तो मैं बोथ AR और CR दोनों ही हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, दीज आर द कॉमन सिलेबस, ये कॉमन सिलेबस में आता है। और देन अगेन जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन हो गया ना GK, वो भी तुम्हें हर एग्जाम के लिए सिलेबस प्रिपेयर करना है। सो यूजुअली जो जितने भी हमारे एग्जाम्स होंगे इनका एक कॉमन सिलेबस होगा। अगर तुम NLSAT को थोड़ा सा साइड कर दो तो बाकी कुछ एग्जाम्स को स्पेसिफिकली अगर तुम्हें ध्यान देना है तो राइट डाउन द टॉपिक्स एंड कवर देम, बाकी को कॉमन सिलेबस के थ्रू कवर कर सकते हो, ठीक है। सो एवरीवन दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, आज का जो सेशन है वो यहीं तक रखेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन, ओके। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन।